हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मैं भी यहाँ पे खैरियत से हूँ। सो गाइस, आज हमारे यहाँ पे जो है 4 दिन हो गए हैं, टोटल 4 दिन, और 4 दिन से बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। आज सुबह हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि चलो धूप निकल आई है तो अच्छा मौसम हो गया है, थोड़े से कपड़े वगैरह भी सूख जाएंगे, लेकिन फिर से बारिश जो है स्टार्ट हो गई है। थोड़ी सी देर के लिए धूप आई थी और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, मतलब मौसम अभी 4 दिन से ऐसा ही हो रहा है। और मैंने न्यूज़ में भी देखा था कि बोल रहे थे कि 4 अगस्त तक ऐसे ही रहेगा मौसम, बारिश बंद नहीं होगी, मौसम खुलेगा नहीं, धूप बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। तो आज तो हम खुश हो गए थे, लेकिन अभी फिर से जो है बारिश शुरू हो गई है। और ये देखो मेरे झुमके कैसे लग रहे हैं, मेरे झुमके कैसे लग रहे हैं, मेरे झुमके मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, खैर 3-4 दिन से, लेकिन बारिश बस बंद होने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल। मुझे ये लगता है जब कपड़े वगैरह नहीं सूखते हैं ना, किचकिच किचकिच सा लगता है, तो वो बड़ा बेकार लगता है। वैसे बारिश बहुत अच्छी है, और बस अभी यहाँ पे मैं खड़ी थी, बारिश को एंजॉय कर रही थी। और हाँ गाइस, मुझे ना आप लोगों से एक बात पूछनी है। हेलो गाइस, तो डायरेक्ट मैं अभी आप लोगों से मिल रही, क्योंकि उस टाइम में जो है ना बहुत ज़ोरों की बारिश आ गई थी, मैं आप लोगों से बात ही कर रही थी, तो फिर वहाँ पे मेरा जो है वीडियो कट करना पड़ा मुझे, और फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, यहाँ बालकनी में ही खेल रहे थे, तो इसी वजह से। तो फिर आप लोगों तक आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आती, क्योंकि बहुत ही ज़ोरों से बारिश हो रही थी, और सामने गोदाम है तो वहाँ पर क्या है ना, टीन डली हुई, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में मैं आप लोगों से बात कर लूँगी, जो मेरी बात है वो मैं क्लियर कर लूँगी। तो कहते ये एक, मतलब मुझे रह रहे कि मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है कि मतलब आजकल की जनरेशन और आजकल का ये सारा ज़माना देख करके भी लोग अब नहीं चेंज हुए हैं बिल्कुल भी, उनकी सोच जहाँ थी ना वो वहीं तक ही सीमित रह गई है, वो आगे बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते हैं, आजकल के ज़माने के हिसाब से नहीं जीना चाहते हैं, और दूसरों में नुक्स निकालना तो उनका काम ही है, जैसे कोई काम ही हो गया है, जब तक अगर वो किसी में नुक्स नहीं निकालेंगे तो वो खाना उनका हजम नहीं होगा, है ना। तो खैर मेरे दिमाग में जो है ना, एक बार बार से रह रह के एक ही सवाल ये आ रहा है कि मतलब कि अगर कोई आप काम कर रही हैं, मतलब जेंट्स की नहीं बोल रही हूँ, लेडीज़ की बोल रही हूँ, कि स्पेशली जो है अभी तक जो है लेडीज़ों को पीछे रखा जाता है हर एक चीज़ में, लेकिन आज की हिसाब से लेडीज़ पीछे नहीं हैं, आज के हिसाब से लेडीज़ हमेशा आगे थी और हमेशा ही आगे रहेंगी, उनको कोई पीछे नहीं कर सकता है। रही बात जॉब वगैरह करने की, जो कि काफ़ी सारी फैमिलीज़ मैंने जो है देखी हैं कि अभी तक जो है लेडीज़ों को, लड़कियों को जो उनके घर में हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, बाहर कोई काम करने नहीं दिया जाता है, हालांकि वो पढ़ी लिखी हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, उनको ना कोई जॉब करने दिया जाता है और ना ही मतलब बाहर निकलने दिया जाता है। लड़कियां कहती हैं कि हम पढ़ लिख करके कुछ काम करें, कोई जॉब करें, तो उनको सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही रह जाता है, और फिर उसके बाद में उनकी शादी कर दी जाती है, चूल्हा चौके में उनको घुसेड़ दिया जाता है, तो वो वहाँ तक। फिर लड़कियाँ भी सोचती हैं कि हम पढ़ लिख करेंगे क्या, हालांकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हैं, अपनी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी करना चाहती हैं, लेकिन उनके घर वाले जो हैं अभी तक वही सोच में डूबे हुए हैं कि लड़कियों को आगे नहीं पढ़ने देते हैं, हमेशा सोचते हैं कि नहीं लड़का आगे है, लड़का हमारा वंश बढ़ाएगा, लड़का आगे रहेगा, तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती हैं, ठीक है। अब रही बात, मतलब अभी तक ये सोचती हैं कि नहीं हमारे घर की औरतें जॉब नहीं करती हैं, हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं निकलती हैं, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में रहती हैं, तो ये कोई गुनाह की बात नहीं है, है ना, ये कोई गलत नहीं कर रही, अगर आप जॉब कर भी रही हो तो कोई गलत बात नहीं है, आप इस ज़माने के हिसाब से जी रही हो क्योंकि आपको पैसे की नीड है। आजकल के ज़माने में आप लोगों को पता है कि घर चलाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, आप सबको भी पता होगा कि दालें, चावल, पेट्रोल, डीजल, तेल वगैरह कितना ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो घर चलाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सा हो गया है, क्योंकि घर में एक ही अगर पर्सन कमाएगा ना तो इतना ज़्यादा अच्छे से मतलब सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, जब दो पर्सन कमाते हैं ना, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, तो अच्छे से घर चल सकता है, आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हो, अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा कर सकते हो, इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखो अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और मैं तो ये कहती हूँ अगर आप बाहर नहीं जाना चाहती हैं, स्पेशली लेडीज़ों से, लड़कियों से जो भी हैं,
अगर आप बाहर नहीं जाना चाहती हैं, आपकी फैमिली अलाउड नहीं करती है, तो आप घर में रह करके भी अपना जो बिजनेस है, जो भी अपना काम है, जो भी आप करना चाहती हैं, अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती हैं, अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहती हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकती हैं घर में रह कर भी। उसके लिए आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने अगर सोचा है तो आप अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकती हैं, जो भी आप रखना चाहें, साड़ीज़ हैं, सूट मटेरियल हैं, लेगिंग कुर्ती हैं। तो एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, या फिर बहुत से लोग जो है परचूने की दुकान खोल लेते हैं, अभी इस लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा परचूने की दुकान ओपन हुई है, आप लोगों को भी पता है। तो ये सारी चीज़ें हम घर में रहकर भी कर सकते हैं। पता है मुझे ये चीज़ कब पता चली कि लेडीज़ आगे हैं और आगे ही रहेंगी, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना अपने मुरैना में कभी नहीं देखी थी। ये सारी चीज़ें मैं जानती ही नहीं थी कि लेडीज़ें भी मतलब घर में रहकर भी कितने सारे काम होते हैं, कि वो जो घर में रहकर भी अपने परिवार की हेल्प कर सकती हैं। मैं जब आगरा गई थी ना, तो उस टाइम पे मैंने देखा हुआ था कि वहाँ पे अपने अपने घरों में रहकर के भी लेडीज़ हैं जो हैं, कोई जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है वो बना रही हैं, कोई माला बना रही हैं, कोई ये पैकिंग के डिब्बे होते हैं वो बना रही हैं, पैकेट्स बना रही हैं, कोई सर्फ बना रही हैं। तो मतलब घर में भी ये सारे काम चल रहे थे लेडीज़ों के। तो मैं एक सोच रही हूँ कि मतलब हम क्यों नहीं कर सकते हैं, जब वो सारी लेडीज़ करती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम भी अपना जो है बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने जो भी सोचा है, हम अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़े, है ना। लोगों की सोच है नीची, तो उसको नीचे ही रहने दो, क्योंकि लोगों के मुँह से तो बातें निकलेंगी ये हमेशा, वो कभी कम नहीं हो सकती हैं। लोग हमेशा नेगेटिव ही बोलेंगे आप लोगों को लेकर के, तो इसलिए लोगों की बातों को इग्नोर करो और आपको जो करना है उसके लिए आगे आगे बढ़ो। बस यही आप लोगों से बोलना था। और हाँ, अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं घर में रहकर भी, अगर आपके पास दुकान नहीं है, आप मार्केट में दुकान नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, तो आप घर में भी रह करके सारी चीज़ें कर सकती हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी अजमेरा फैशन का, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कीजिए उनसे और सारी बातचीत कीजिए उनसे। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे, गाइड करेंगे आप लोगों को, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और अपना जो भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, अगर आपने सोच लिया है कि आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, तो वो आपको सारी हेल्प करेंगे, सब कुछ तरीके से गाइड करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है, बिल्कुल भी ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो भी आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे वो लोग। तो कांटेक्ट नंबर और सारी डिटेल्स वगैरह मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप लोग वहाँ से बात कर सकते हैं और वहाँ से जो है अपना जो भी कुछ सामान आप लोगों को मंगाना है वो वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं जाना है तो घर बैठे ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अगर वहाँ जाना है तो सारी एड्रेस वगैरह, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, सारी डिटेल्स सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप लोग वहाँ से उनसे बात करना और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, और फिर वहाँ से अपना जो है बिजनेस शुरू करना और लोगों की बातों को इग्नोर करना, आप जो करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो करना बस, और अच्छा करना, है ना। बस यही चीज़ मुझे आप लोगों के साथ में क्लियर करनी थी, बतानी थी कि लड़कियां पीछे नहीं हैं, लड़कियां आगे हैं। लोगों की सोच है जो जहां तक सीमित रह गई है, जो हमारे मतलब पुराने ज़माने के लोग हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, वो सोच ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, तो उनको वहीं तक रहने दो, आप आगे बढ़ो, उनको यकीन दिलाओ कि आप सब कुछ कर सकती हैं, तो सब कुछ ठीक होगा, है ना। चलो, काफ़ी सारी लंबा लेक्चर मैंने दे दिया है आज, है ना, बोर भी हो गए होंगे शायद कुछ कुछ लोग तो, लेकिन बात मैंने सही की है। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं ना यहाँ पे क्यों देखती हूँ, मुझे यहाँ पे देखना, फिर से यहाँ पे देखना है मुझे, यहाँ पे ये है पॉइंट हमारा, तो पता नहीं क्यों मैं अपने आप को देखती हूँ यहाँ पे कैमरा। प्रोडक्ट से आप लोग दोस्तों बहुत अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। पूरा पल्लू है, जरी का पल्लू दिया हुआ है, साथ में आप देख पा रहे हैं पल्लू में झालर दी हुई है, इनका मीनाकारी का पूरा इसमें बॉर्डर दिया हुआ है। इस पल्लू आप देख पा रहे हैं रिच पल्लू का पूरा कॉन्सेप्ट है, जरी बहुत शानदार यूज की हुई है इसमें, पूरा शाइनिंग जरी है, हेवी स्टैंडर्ड जरी यूज की हुई है। 300 रुपये से रेंज स्टार्ट होती है और 2500 रुपये तक की रेंज में ये प्रोडक्ट सिल्क में अवेलेबल है। ये देखिए बहुत सोबर टेस्ट लिया हुआ है, टू टोन फैब्रिक इसमें लिया हुआ है। दोस्तों अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं उसको ग्रो करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज जो वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ, जो प्रोडक्ट कवर करने वाला हूँ,
उस प्रोडक्ट से आप लोग दोस्तों बहुत अच्छा मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो वैरायटी है आज के टाइम में बहुत अच्छी डिमांड है इस टाइप के प्रोडक्ट की। दोस्तों जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है सिल्क साड़ी। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि सिल्क साड़ी की बहुत अच्छी डिमांड है, आप कोई त्यौहार ले लीजिए, पूजा का फंक्शन ले लीजिए, घर में कोई छोटा फंक्शन है या बहुत बड़ा फंक्शन आपके घर में होने वाला है, तो इस टाइप की साड़ियां आप लोगों ने देखी होगी बहुत सारे लोग वियर कर रहे हैं। तो इसकी जो डिमांड है डेली की बेसिस पे बढ़ती ही जा रही है। और दोस्तों रेंज जो इसमें स्टार्ट होती है ओनली 300 रुपये से रेंज स्टार्ट होती है, और इसमें मैं अगर बात करूं तो 2,000-2,500 रुपये तक की रेंज की साड़ियां आपको मिलने वाली है, जिसमें बनारसी पैटर्न हो गए, पटोला पैटर्न हो गए, सिल्क में जो कॉन्सेप्ट चलते हैं वो सारी वेरायटी आपको इसमें मिलने वाली है। कुछ रेंडमली सेलेक्टेड पीसेज आपको आज मैं कवर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको टेस्ट का आइडिया लगे। तो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों फर्स्ट प्रोडक्ट से। दोस्तों इसमें मेजरली जो फैब्रिक यूज किया जाता है सिल्क साड़ी में, लीची फैब्रिक ज़्यादा यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी, क्रिस्टल हो गया, डायमंड हो गया। टोटल आपको इसमें जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ ये टोटल वीविंग प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा रिच पल्लू का कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिल रहा है, पूरा हेवी पल्लू मिलेगा, साथ में बॉडी में आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी बुटियाँ बनी हुई है, मल्टी कलर का धागा भी साथ में यूज किया हुआ है जरी के, तो मीनाकारी पूरा वर्क है। बॉर्डर आप देख पा रहे हैं गोल्डन कलर की जरी का पूरा बॉर्डर इसमें आपको मिलने वाला है। और जो दोस्तों इसमें आपको ब्लाउज मिलेगा, सेल्फ की डिज़ाइनों का पूरा इसमें आपको ब्लाउज मिलेगा, जो आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई है वीविंग की, ये स्लीव्स के लिए पूरा बॉर्डर इसमें दिया हुआ है। दोस्तों ये जो साड़ियाँ दिखा रहा हूँ टोटल कैटलॉग साड़ियाँ हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं 5 पीस का ये कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। इसके अंदर जो मैचिंग आपको मिलेगी, एक कलर मैंने आपको ये दिखाया है, इसके अलावा इस टाइप से आपको इसमें मैचिंग मिलने वाली है, शानदार कलर मैचिंग है। रेगुलर बेसिस पे जिन कलर की डिमांड रहती है उसके हिसाब से आपको इसमें कलर वेरिएशंस मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों ये भी कैटलॉग प्रोडक्ट है, जिसमें आपको मीनाकारी काम मिलेगा, हेवी रिच पल्लू का कॉन्सेप्ट है, ये देखिए दोस्तों पूरा पल्लू है, जरी का पल्लू दिया हुआ है, साथ में आप देख पा रहे हैं पल्लू में झालर दी हुई है। बॉर्डर जो है आपको पूरा बॉर्डर जो मिलेगा मीनाकारी का बॉर्डर पूरा इसमें मिलने वाला है, छोटी छोटी बुटियाँ मिली हुई है, थोड़ा सा वर्टिकल टेस्ट है, ज्योमेट्रिकल टेस्ट जिसको आप बोल सकते हैं, और फुल साड़ी में आपको हेवी काम मिलने वाला है। देखिए बॉर्डर आप देख पा रहे हैं पूरी साड़ी में मीनाकारी का पूरा बॉर्डर दिया हुआ है। और दोस्तों जो इसमें ब्लाउज है जैकार्ड का ब्लाउज है, साथ में वीविंग का मीनाकारी का पूरा इसमें बॉर्डर दिया हुआ है, इस टाइप से पूरा एक कॉन्सेप्ट है। इसमें दोस्तों अगर मैं कलर वेरिएशंस की बात करूं तो इस टाइप से आपको इसमें कलर मिलने वाले हैं, एक कलर मैंने आपको दिखाया ओपन करके, उसके अलावा जो कलर वेरिएशंस आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा डस्टी चार्ट भी है, लाइट चार्ट भी है, और ब्लू कलर आपने देखा। इसमें जो दोस्तों कैटलॉग आपको मिलने वाला है, पोस्टर इस टाइप से पूरा पोस्टर आपको मिलेगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं 6 पीस का पूरा कॉम्बिनेशन है, 6 पीस का पूरा चार्ट मिलेगा अलग अलग टेस्ट के हिसाब से। दोस्तों सिल्क में बहुत सारी डिज़ाइनें हैं, बहुत सारा टेस्ट अवेलेबल है, बट कुछ सेलेक्टेड पीस ही आपको मैं दिखा पाऊंगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ बनारसी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, हेवी फैब्रिक इसमें पूरा लिया हुआ है, पल्लू आप देख पा रहे हैं रिच पल्लू का पूरा कॉन्सेप्ट है, जरी बहुत शानदार यूज की हुई है इसमें, पूरा शाइनिंग जरी है, हेवी स्टैंडर्ड जरी यूज की हुई है, साथ में आपको झालर मिल रहा है, और पूरी साड़ी में आप देखेंगे छोटी छोटी बुटियाँ बनी हुई है जरी की। बॉर्डर आप देख रहे हैं हेवी बॉर्डर इसमें आपको वीविंग का मिलने वाला है, 2 लेयर में बॉर्डर है, नीचे एक बॉर्डर है, ऊपर आप देखेंगे फिगर का पूरा बॉर्डर बना हुआ है, और कंटिन्यू साड़ी में आपको काम मिलने वाला है। इसमें जो आपको ब्लाउज मिल रहा है दोस्तों सोबर ब्लाउज मिल रहा है, स्लीव्स के लिए पूरा यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, और जो मैचिंग दोस्तों आपको इसमें मिलने वाली है इस टाइप से, जो बनारसी पर्टिकुलर बनारसी में जो मैचिंग टेस्ट चलता है वो पूरा टेस्ट आपको इसमें मिलेगा, येलो कलर हो गया, रेड हो गया, ग्रीनिश हो गया, मेरून कलर हो गया, स्काई ग्रीन हो गया, रानी कलर हो गया, तो बहुत शानदार मैचिंग जो ट्रेडिशनल टेस्ट होता है बनारसी कॉन्सेप्ट में वो आपको इसमें मिलने वाला है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों ये भी कैटलॉग टेस्ट है, बनारसी ही कॉन्सेप्ट में है। दोस्तों बहुत अच्छी डिमांड है इस टाइप के प्रोडक्ट की, और जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको कि इस टाइप के प्रोडक्ट में आप लोग बहुत अच्छा मार्जिन ले सकते हैं,
इसमें आप देख पा रहे हैं रिच पल्लू का कॉन्सेप्ट है। बॉर्डर में आप चीज़ देख रहे हैं, नीचे छोटी छोटी बूटियों का बॉर्डर बना हुआ है, फिर यहाँ फिगर का पूरा बॉर्डर बना हुआ है, यहाँ बेल स्टाइल में पूरा बॉडी में काम दिया हुआ है। साथ में आप देख पा रहे हैं झालर पल्लू में दिया हुआ है और पूरी साड़ी में कंटिन्यू काम आपको मिलने वाला है। इसमें जो दोस्तों ब्लाउज़ दिया हुआ है, सिंपल सोबर ब्लाउज़ दिया हुआ है, स्लीव्स के लिए पूरा यहाँ पे बॉर्डर है और जो कलर मैचिंग दोस्तों इसमें आपको मिलने वाली है, इस टाइप से पूरा कलर मैचिंग आपको इसमें मिलेगा देखिए। और जो इसका कैटलॉग है दोस्तों, इस टाइप से पूरा कैटलॉग आपको मिलेगा इसमें, जिसमें आप देख पा रहे हैं पाँच पीस का ये कॉन्सेप्ट है, पूरा सेट जो है पाँच पीस का आपको इसमें मिलने वाला है। नेक्स्ट जो आप साड़ी देख पा रहे हैं, पूरा जाल वर्क का इसमें काम किया हुआ है, ये भी दोस्तों वीविंग कॉन्सेप्ट ही है। रेंज एक बार दोस्तों फिर से रिपीट कर देता हूँ, रेंज जो स्टार्ट होती है 300 रुपये से रेंज स्टार्ट होती है और 2500 रुपये तक की रेंज में प्रोडक्ट सिल्क में अवेलेबल है। ये आप देख पा रहे हैं रिच पल्लू का पूरा कॉन्सेप्ट है, जरी का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे जरी और धागे का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल टेस्ट बना हुआ है। बॉर्डर आप देख पा रहे हैं फुल हेवी जरी का कॉन्सेप्ट का बॉर्डर इसमें दिया हुआ है और पूरी साड़ी में आप देख पा रहे हैं काम मिलने वाला है। इसमें जो ब्लाउज है ब्रोकेट का ब्लाउज है, जिसको जेकार्ड का भी ब्लाउज आप लोग बोल सकते हैं। स्लीव्स के लिए पूरा बॉर्डर इसमें दिया हुआ है। इसमें दोस्तों जो मैचिंग आपको मिलने वाली है देखिए, इस टाइप से पूरा इसमें मैचिंग रहने वाला है। दोस्तों टेस्ट के बारे में मैं बता दूं, हर एरिया के हिसाब से आपको यहाँ पे टेस्ट मिलने वाला है। साथ के साथ दोस्तों एक सबसे बड़ी फैसिलिटी जो हमारे यहाँ दी हुई है आपको, कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज आपकी लोकल लैंग्वेज में बात करने वाले एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ मिलेंगे, जिससे क्या है वो आपको हर एक चीज़ समझा पाएंगे, आपकी ही लैंग्वेज में सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, किस टाइप के फैब्रिक है, क्या रेंज है, क्या मार्जिन आप लोग ले सकते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे एग्जीक्यूटिव आपको बताने वाले हैं। ये जो मैं कैटलॉग दिखा रहा था दोस्तों, इस टाइप से आपको इसमें पूरा कैटलॉग पोस्टर मिलेगा, साथ में बैक साइड में आपको इंडेक्स मिलने वाला है, जिसमें मैचिंग चार्ट मैचिंग का पूरा चार्ट दिया हुआ है इस टाइप से। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, बहुत सोबर टेस्ट है, टू टोन फैब्रिक इसमें लिया हुआ है। ये इस टाइप से पूरा इसका कैटलॉग है। साड़ी ओपन करके आपको नज़र करवाता हूँ टेस्ट। एक मिनट, ये देखिए बहुत सोबर टेस्ट लिया हुआ है, टू टोन फैब्रिक इसमें लिया हुआ है। टू टोन साड़ी में आपको नज़र आ रहा होगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ तब आपको। और यहाँ पल्लू देख रहे हैं, रिच पल्लू दिया हुआ है, झालर का पूरा कॉन्सेप्ट है। नीचे बॉर्डर में आप देखेंगे फिगर का पूरा डिज़ाइन बना हुआ है जरी कॉन्सेप्ट के साथ में, और पूरी साड़ी में छोटी छोटी बुटियाँ बनी हुई है धागा और जरी के कॉम्बिनेशन की। इसमें जो ब्लाउज दिया हुआ है दोस्तों, सोबर ब्लाउज है, स्लीव्स के लिए पूरा बॉर्डर दिया हुआ है। और जो कलर चार्ट है इसका दोस्तों, बहुत शानदार कलर चार्ट है, लाइट पेस्टल कलर चार्ट दिया हुआ है। ये देखिए इस टाइप से पूरा इसमें आपको कैटलॉग मिलने वाला है। तो दोस्तों सिल्क में इस टाइप की वैरायटी है। अगर आपको डिटेल में जानकारी लेनी है तो जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों एक खास बात आपको बताना चाहूँगा, एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, हमारी फ्रेंचाइजी अजमेरा फैशन की फ्रेंचाइजी हमने लॉन्च कर दी है, जिसका पहला स्टोर लखनऊ में स्थित है। उसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके आप अजमेरा फैशन फ्रेंचाइजी लिखेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा वीडियो नज़र आएगा। दोस्तों उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, हमारी फ्रेंचाइजी दोस्तों 30 लाख रुपये से स्टार्ट होती है। साथ के साथ अगर वो और आपको डिटेल में जानकारी लेनी हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अजमेरा फैशन फ्रेंचाइजीज के नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉल करके सारी डिटेल वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दोस्तों जरूर दबाइएगा। थैंक यू, नमस्ते।